हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से नया और इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया, अपडेट आ गया। और यह जो अपडेट है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड CET एग्जाम 2020 को लेकर के है। और इसमें डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टू कॉल कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इन स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर जो है स्टेनोग्राफर CET एग्जाम 2020 हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और साथ ही साथ में जो भी कैंडिडेट्स पास किए हैं उसको भी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो यही इसके बारे में नोटिस है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन भी आपको बताए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ों को यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ स्टेनोग्राफर CET एग्जामिनेशन 2020 ऑन 11 नवंबर, 12 नवंबर और 15 नवंबर को पूरा भारतवर्ष के विभिन्न सेंटरों में एग्जाम हो गया था। तो इसका जो एग्जाम हुआ था वह 3 दिन हुआ था, 11, 12 और 15 नवंबर 2021 को हुआ था। यहाँ पर एज द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड एज पर द फॉर्मूला पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑन इट्स वेबसाइट। एज पर द प्रोविजंस अंडर पारा 12D नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द रिजल्ट टू क्वालिफाई द कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन दैट इज स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे जो भी है कंप्यूटर टेस्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी हो गया, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और इसमें जो भी फॉर्मूला दिया गया था उसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क कर दिया गया है। और अब रिजल्ट को भी घोषणा हो गया है और जितने भी कैंडिडेट्स पास हुए उनको नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो कि स्किल टेस्ट होगा उसके लिए उनको बुलाया जाएगा। तो यही इनका कहना है बोर्ड की ओर से। एज पर पारा 16A ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर फिक्स्ड एज फॉलो, UR के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और अदर कैटेगरी जिसमें SC ST PWD ESM जो थे उनके लिए 20%। तो 30% UR के लिए, OBC के लिए 25% और अदर कैटेगरी जिसमें ST SC लोग जो थे उनके लिए 20% मार्क्स क्वालिफाइंग था, ये पहले ही बता दिया गया था। अब इसमें यहाँ पर जो है चौथे नंबर पर बेस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 3608 कैंडिडेट्स हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 13,445 कैंडिडेट्स हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन द स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3,608 कैंडिडेट्स जो हैं ग्रेड सी के लिए पास में, और यहाँ पर आप लोग साथ साथ देख सकते हैं कि 13,445 कैंडिडेट्स जो हैं वो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, उनको स्किल टेस्ट देना है। तो यहाँ पे द कट ऑफ मार्क्स ऑफ फिक्स्ड बाय द कमीशन इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर डिफरेंट कैटेगरीज आर इज अंडर। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अब यहाँ पे आप लोग को नीचे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया वो ग्रेड सी में दिया गया है स्टेनोग्राफर का। तो यहाँ पे लिस्ट वन में है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। तो कैटेगरी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SC ST OBC EWS UR OH VH और यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी आप लोग को दिख रहा है। तो ST के लिए जो 130 प्लस है, ST के लिए है 117 यानी 117 से ज़्यादा है, OBC के लिए 142 से भी ज़्यादा है और EWS के लिए 138 से ऊपर है, UR के लिए 146 से ऊपर है, OH के लिए 108 से ऊपर है और VH के लिए है 55 से भी ऊपर। और कैंडिडेट्स जो हैं अवेलेबल वो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 3,608 है। तो SC में 545, ST में 209, OBC में 1,095, EWS में 347, UR में 1,210, OH में 51 और VH में 151। तो टोटल 308 कैंडिडेट्स हैं जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में रिजल्ट क्वालिफाई हो गया है उनका, और वे लोग को अब स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर अगले पेज में देखते हैं तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ प्योर कैंडिडेट्स सोन और 114 जो SC के लिए 9 है, ST के लिए, ये सब सारी चीज़ पहले से ही दिया गया है। अब द कैंडिडेट्स हैव बीन सोन अंडर देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, वो आप लोग देख सकते हैं। अब इस लिस्ट टू में ग्रेड यहाँ पे जो है डी यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पास किए वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST OBC EWS UR ESM OH VH अदर PWD है। यहाँ पे कट ऑफ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं SC के लिए 103 से ऊपर है, ST के लिए 84 से ऊपर है, OBC के लिए 126 से ऊपर है, EWS के लिए 83 से ऊपर है, UR के लिए 131 से ऊपर है, ESM के लिए 40 से ऊपर है, OH के लिए 59 से ऊपर है, VH के लिए 51 से ऊपर है, अदर PWD के लिए वो 40 कट ऑफ मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। और साथ साथ अवेलेबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो SC के लिए जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हुए हैं वे है 2,722 यानी कि 2,722, ST के लिए है 1,105 कैंडिडेट्स मतलब 1,105, OBC के लिए हुए हैं 3,267 यानी कि 3,267,
ओबीसी कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1983 कैंडिडेट्स हैं, साथ साथ यूआर के लिए जो है 3448 कैंडिडेट्स यानी 3448 हैं, ईएसएम के लिए 311 यानी 311 है, ओएच के लिए 388 यानी 388, वीएच के लिए 168 और अदर्स पीडब्ल्यूडी के लिए 51। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ईस्टर्नगर पर सीडी वाले हैं वो 13445 यानी कि 13445 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं ग्रेड डी में, और इनको भी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका रिजल्ट हो गया है, वे लोग अब स्किल टेस्ट के लिए तैयारी करते रहें क्योंकि उनका भी एग्जाम बोर्ड की ओर से, आई की ओर से लिया जाएगा। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं जो भी चीज़ें यहाँ बताया गया है यहाँ पर आप। इसके बाद है द स्किल टेस्ट ऑफ विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्स, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल हो जाएगी स्किल टेस्ट के लिए कब होगा वो सब सारी चीज़ें आपको कमीशन के वेबसाइट में मिल जाएगी, तो आप लोगों को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, और अगर कुछ नोटिस आता है तो आप लोगों को नोटिस भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर उसको सारी चीज़ों को देखना है। फिर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू द आंसर की हैव बीन केयरफुली एग्जामिन्ड एंड आंसर की हैव बीन मॉडिफाइड वेयर एवर नेसेसरी, द फाइनल आंसर की हैव बीन यूज्ड फॉर इवेल्युएशन। तो यहाँ पे जो भी है आपका कैंडिडेट्स का जो आंसर की है उसको ध्यानपूर्वक सही सलामत पढ़ना है, आंसर की को भी सही सलामत रखना है, और जो फाइनल आंसर की है उसको आप इवेल्युएशन के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी यहाँ कहना है इनका। साथ ही साथ यहाँ पर फाइनल आंसर की विल भी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम 28/1/22 to 27/2/22 यानी कि 28 जनवरी 2022 से लेकर के 27 फरवरी 2022 तक आपको फाइनल आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, उसी समय आपको ये जो है इवेल्युएशन के लिए आपको बचा के रखना है। फिर यहाँ पर है मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 28/1/2022 यानी कि 28 जनवरी 2022 को जितने भी क्वालिफाइड है और नॉन क्वालिफाइड है उनका भी यहाँ पे वेबसाइट में मार्क्स को दे दिया जाएगा। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 जनवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 तक। तो ये भी जो है अपना मार्क्स को देख सकते हैं वो 28 जनवरी 2022 से लेकर के 15 फरवरी 2022 तक। कैंडिडेट्स में चेक देर इंडिविजुअल मार्क्स बाय यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन रिजल्ट मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना इंडिविजुअल मार्क भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो कैंडिडेट डैशबोर्ड मिलता है वेबसाइट में वहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ साथ में रजिस्टर पासवर्ड डाल के अपना जो है रिजल्ट भी देख सकते हैं और इंडिविजुअल मार्क को भी देख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कैंडिडेट डैशबोर्ड जाना है जो कि वेबसाइट SSC में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहीं पर आपको जाना है। और आप यहाँ पर साथ साथ देख सकते हैं डिप्टी सेक्रेटरी 21/1/2022 यानी आज ही का ये अपडेट आया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं ग्रेड डी वाले और ग्रेड सी वाले वो अब स्किल टेस्ट के लिए तैयार हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी एग्जाम को होगा वो सब सारी जानकारियों को मैं आप लोगों को जरूर से जरूर बताऊंगा। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, और यहाँ पर यही एक बहुत बड़ी अपडेट है कि बहुत ही जल्दी से और आप लोग तैयारी करने लग जाइए क्योंकि ग्रुप सी और डी जो ग्रेड है स्टेनोग्राफर का 2022 उसका रिजल्ट जारी हो गया। अब आप लोगों को अपेयरिंग होना है स्किल टेस्ट के लिए। तो यही नोटिस है, यही अपडेट है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से।